सब्सक्राइब करें अशरफ ब्लॉग्स को एंड बेल आइकन को प्रेस करें। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बोले जाने वाले इस शहर की स्थापना सन 1207 में कान्हापुर नाम से हुई थी, जो आज के समय में कानपुर नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। पुरानी सभ्यताओं में कहा भी गया है कि जो शहर नदियों के किनारे स्थित होते हैं वह शहर काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अगर 2011 सेंसस की माने तो कानपुर भारत का 12वां और उत्तर प्रदेश का 2रा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। कानपुर की जनसंख्या 2011 में 29,00,002 थी। कानपुर का कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भारत के वेस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म और 49 ट्रैक हैं। अंग्रेजों ने कानपुर और इलाहाबाद के बीच भारत की दूसरी रेलवे लाइन बिछाई थी। यहाँ पर रोजाना 1,00,000 से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं। कानपुर को अगर एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से यहाँ का IIT कॉलेज अपनी इंजीनियरिंग के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। इंडस्ट्रियल सिटी होने के नाते कानपुर में काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन्स और मर्चेंट्स रहते हैं, इसीलिए कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला शहरों में से एक है। अगर खाने पीने की बात की जाए तो कानपुर में ठग्गू के लड्डू काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। नाना राव जैसे क्रांतिकारी ने भी कानपुर के बिठूर इलाके में जन्म लिया था, तथा राजू श्रीवास्तव जैसे हास्यकार भी कानपुर शहर के ही रहने वाले हैं। घूमने की बात की जाए तो कानपुर में काफ़ी ज़्यादा घूमने के पर्यटक केंद्र हैं, जिसमें से यहाँ का नाना राव पार्क, चिड़ियाघर और JK मंदिर मुख्य आकर्षक केंद्र हैं। नाना राव पार्क फूलबाग से पश्चिम में स्थित है। इसका नाम 1857 में बीबी का घर था, जो आज बदलकर नाना राव पार्क रख दिया गया है। ये कानपुर में लोगों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहता है। JK टेम्पल राधा कृष्ण मंदिर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर JK ट्रस्ट ने बनवाया था। आधुनिक कला से बना ये मंदिर देश विदेशियों का कानपुर में मुख्य आकर्षण केंद्र रहता है। 1971 में खुला ये चिड़ियाघर देश के सर्वोत्तम चिड़ियाघरों में से एक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये कानपुर का चिड़ियाघर देश का 3रा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। कानपुर के चिड़ियाघर को एलन फॉरेस्ट जू भी कहा जाता है।